अशोक गहलोत इससे पहले निम्बाहेड़ा पहुंचे थे, चित्तौड़गढ़ में जो स्थित है, इसके बाद डूंगरपुर के सिमलवाड़ा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं। विशाल किसान सम्मेलन में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पर पहुंचे हैं। भव्य स्वागत किया जाएगा, बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। इसके अलावा जो स्थानीय पदाधिकारी हैं वो भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मंच पर मौजूद हैं। वहीं आपको बता दें विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी भी यहां पर पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ। और मंच की ये तस्वीरें आप देखिए, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्वागत सत्कार किया जा रहा है, का सम्मान किया जा रहा है। मंच पर उन्हें पगड़े पहनाकर, राजस्थानी आन बान शान का प्रतीक पगड़ी पहनाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सम्मान किया गया। किसान सम्मेलन है तो जाहिर तौर पर बड़ी संख्या में किसान यहां पर पहुंचे हुए हैं। कृषि जगत से जुड़े हुए कई स्थानीय अधिकारी भी वहां पर मौजूद होंगे। और किसानों को लेकर जिस तरह से हाल ही में कृषि ऋण में 5% ब्याज की कटौती यहां पर की गई थी, एक सौगात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी थी, तो उसे लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या कहते हैं, इसके अलावा क्या कोई और सौगात भी किसानों को मिल पाएगी, क्योंकि पंचायती राज चुनाव भी आने वाले हैं और आज ही चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। 3 चरणों में ये चुनाव होंगे, तो ऐसे में किसानों को जो कि गांव में निवास करते हैं, प्रदेश की आधी से ज्यादा आबादी गांव में निवास करती है, तो ऐसे में ज्यादातर लोग जो कि किसानी से जुड़े हुए हैं उन्हें बेहद उम्मीद है सिमलवाड़ा में पहुंचकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से कोई ये घोषणा किसानों को लेकर की जाए। चलिए इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता अखिलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अखिलेश, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं आज किसान सम्मेलन में शामिल होने के लिए। सिमलवाड़ा से तमाम लोग जो कि किसानी से ताल्लुकात रखते हैं, चाहे किसान हो या फिर किसानी के क्षेत्र में ही काम करने वाली महिलाएं हो, वहां पर पहुंची हुई है। ऐसे में फिलहाल मौके पर क्या कुछ चल रहा है और क्या कोई उम्मीद लगाई जाए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से किसी सौगात को लेकर? बिल्कुल, मुझे बताना चाहूंगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सिमलवाड़ा किसान सम्मेलन में पहुंच चुके हैं। मंच पे कांग्रेस नेताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया था, उनको तीर कमान आदिवासी के तहत उनको तीर कमान भेंट किया गया। वही अगर घोषणाओं की बात करें तो काफी लंबे समय से जो कड़ाना बैकवाटर का जो पानी है वो 84 विधानसभा क्षेत्र में लाने की मांग चली आ रही थी, और उम्मीद है लोगों को अगर मुख्यमंत्री खुद सिमलवाड़ा आया है तो कुछ ना कुछ क्षेत्रवासियों के लिए घोषणा जरूर करेंगे। जो मंच पर फिलहाल बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी और डूंगरपुर जिले के प्रभारी मंत्री राजेंद्र यादव और पूर्व सांसद आरक्षण बोगरा सहित जिले के कांग्रेस के सदस्य मौजूद है। बिल्कुल, और वहीं पर अखिलेश सीपी जोशी भी यहां पर पहुंचे हुए हैं विधानसभा अध्यक्ष। अगर स्थानीय पदाधिकारियों की बात करें तो उस फेहरिस्त में कौन कौन से नाम शामिल है? मैं बताना चाहूंगा कि जो डूंगरपुर के प्रभारी मंत्री है राजेंद्र यादव वो मंच पे मौजूद है, पूर्व सांसद पाटड़ा डूंगरपुर ताराचंद बोगरा वो मौजूद है, इसके अलावा जो डूंगरपुर विधायक है गणेश बोगरा, पीसीसी महासचिव शंकर यादव और जो पूर्व विधायक है 84 के शंकर आर्य सहित पूर्व विधायक डूंगरपुर जिले के सहित पदाधिकारी संगठन के कांग्रेस जिला अध्यक्ष दिनेश कोडरिया सहित पूर्व मंत्री असरार अहमद भी मंच पर मौजूद है। वहीं पर अखिलेश, जिस तरह से हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से एक सौगात भी दी गई थी किसानों को, कृषि ऋण में 5% की छूट देने की बात कही थी ब्याज में, तो ऐसे में इस बात को लेकर भी कोई जानकारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां पर देंगे कि कब से इसका फायदा मिलना शुरू हो जाएगा किसानों को? बिल्कुल, मुझे बहुत बड़ी सौगात आज तक कहना चाहूंगा कि क्षेत्र के लोगों के लिए होगी, क्योंकि छोटे छोटे जो जमीन है यहाँ पर छोटे काश्तकारों की जो कृषि जमीन बहुत छोटी होती है, तो उन किसानों को काफी फायदा भी दीर्घकालिक देश में जो ब्याज में छूट दी गई है उसका मिलेगा। इसके अलावा जो किसानों को जो कर्ज माफी जो की गई थी सरकार जब कांग्रेस की बनी थी आते ही,
उसका भी काफी फायदा टीएसपी क्षेत्र के किसानों को पहुंचा। काफी सुंदरपुर की बात करें तो यहाँ पर भी काफी फायदा किसानों को मिला है, क्योंकि यहाँ पर जो किसानों की जो भूमि है वो काफी छोटी होती है और उनका ऋण भी काफी कम होता है। ऐसे में जो ऋण का जो निर्धारित था कि 2 लाख रुपए तक किया जाएगा, उसमें बड़ी राहत यहाँ के किसानों को मिली। पंचायती राज चुनाव के तारीखों का ऐलान भी जिस तरह से आज हो चुका है अखिलेश, तो ऐसे में क्या लगता है किसानों के लिए, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में ही वो निवास करते हैं, खेतीबाड़ी से जुड़े हुए तमाम लोग वहां पर रहते हैं, तो कोई एक सौगात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सिमलवाड़ा के लोगों को दे सकते हैं? जिस तरह से आचार संहिता लग चुकी है पंचायत चुनाव की और चुनावी दृष्टि से देखा जाए तो ये सभा काफी मायने रखती है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव के अंदर भी काफी नुकसान जो है कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर वीटीपी के चलते हुआ था, तीसरे स्थान पर कांग्रेस खड़ी थी। तो कहीं ना कहीं उम्मीद कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ साथ आम जनता को भी है कि खुद मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे हैं तो कोई बड़ी सौगात, खासकर पानी के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में जो डिमांड यहाँ के लोग करते आ रहे हैं कड़ाना बैक वाटर की, तो कुछ ना कुछ आश्वासन या घोषणा मुख्यमंत्री यहाँ पर कर सकते हैं। बिल्कुल, और जब भी सरकार अलग अलग जगह पर पहुंचती है, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्षेत्र के अलग अलग जगहों पर पहुंचते हैं, सिमलवाड़ा क्षेत्र जो कि एक छोटा इलाका है, ऐसे में कई ऐसी समस्याएं होती है, लोगों की मूलभूत सुविधाओं से महरूम रहते हैं लोग, जो कि लगातार अधिकारियों के पास जाने के बाद भी सुनवाई नहीं होती है, दूर नहीं होती है, तो ऐसे में क्या लगता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्थानीय समस्याओं को लेकर कोई हल निकालते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से उन मूलभूत सुविधाओं जिसको सिमलवाड़ा तरस रहा है उसकी सौगात जरूर दी जाए। बिल्कुल, मुझे बताना चाहूंगा जो सिमलवाड़ा क्षेत्र है वो सोराठी विधानसभा क्षेत्र में आता है और सोराठी विधानसभा क्षेत्र गुजरात सीमा से लगता हुआ विधानसभा क्षेत्र है। सिमलवाड़ा से 15 किलोमीटर की दूरी पर गुजरात शुरू हो जाता है, तो कहीं ना कहीं गुजरात के विकास को देखते हुए और राजस्थान के विकास को जब लोग कंपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं मूलभूत सुविधाओं का आज भी अभाव देखा जाता है सिमलवाड़ा क्षेत्र में। आज बात करेंगे रोजगार की हो, चाहे चिकित्सा क्षेत्र की बात हो, शिक्षा क्षेत्र की बात हो, तो आज भी लोग इलाज के लिए पलायन करते हैं गुजरात के मोड़ासा क्षेत्र में। हालांकि निरोगी राजस्थान अभियान गहलोत सरकार की ओर से शुरू किया गया है, लेकिन खास डॉक्टर्स की जो कमी है क्षेत्र के अंदर वो काफी परेशानी का सबब यहाँ के लोगों के लिए बनी हुई है। शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो शिक्षा की हालत जगाने के लिए शहीद हुई वीर बाला कालीबाई का जो क्षेत्र है वो भी सिमलवाड़ा उत्तराखंड क्षेत्र पड़ता है। उनकी दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर कॉलेज तो जरूर खोल दिया गया है, पिछले सरकार के समय कॉलेज खोला गया था, लेकिन वहाँ भी व्याख्याताओं की कमी आज भी बरकरार है। तो कहीं ना कहीं जो उच्च शिक्षा का प्राप्त करने का जो सपना है वो लोगों का आज भी सपना बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जो मूलभूत आवश्यकता है, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र से हो, पेयजल से, सिंचाई के क्षेत्र से हो या चिकित्सा के क्षेत्र से हो, लोगों को उम्मीद है कि कुछ ना कुछ राहत जो है मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे हैं तो मिले। बिल्कुल, सिंचाई का क्षेत्र हो या फिर चिकित्सा या फिर शिक्षा को लेकर मुख्यमंत्री से उम्मीद लगाए तमाम लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी अपने संबोधन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किस तरह की सौगातें सिमलवाड़ा के लोगों को देते हैं। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। एक ब्रेक के लिए फिलहाल रुक रहे हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए जी राजस्थान के साथ।
प्रायोजक मुल्तानी पचमीना। कुछ नहीं बचेगा, आओ अब सब पचेगा। नमस्कार, जी राजस्थान देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। बुल्डर में सीधा रुख करेंगे सिमलवाड़ा का, जहां पर सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हुए हैं और सीधी तस्वीरें इस वक्त हम कार्यक्रम की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सिमलवाड़ा में किसान सम्मेलन का आयोजन यहां पर किया गया है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हैं। सीएम जो यहां पर सीपी जोशी भी कार्यक्रम का हिस्सा है। किसान सम्मेलन जिसमें कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी सीएम की तरफ से की जा सकती हैं। सीपी जोशी, राजेंद्र यादव भी कार्यक्रम का हिस्सा है। किसानों को लेकर लगातार सरकार की तरफ से अलग अलग घोषणाएं वक्त वक्त पर की जाती रही हैं और एक साल सरकार ने हाल ही में पूरा किया है, तो गहलोत सरकार की तरफ से लगातार किसान जो है प्राथमिकता में है। इन तमाम चीज़ों का महत्व कितना ज़्यादा है, उसी की ये वानगी इस सम्मेलन के जरिए, जहां पर किसानों को आज कहीं ना कहीं उम्मीद होगी डूंगरपुर के, तो वहीं तीन तस्वीरें भी आप इस पूरे कार्यक्रम की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम गहलोत पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत जो है वो किया गया। इस वक्त मंच पर मौजूद हैं तमाम जो अतिथि हैं वो भी कार्यक्रम का हिस्सा, मंच पर आसीन। वहीं सीएम गहलोत कार्यक्रम में पहुंचे हिस्सा लेने के लिए तो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। भारी भीड़ इस वक्त उमड़ी हुई है इस सम्मेलन में। तो किसानों के लिए किस तरीके से तमाम सौगातें जो हैं वो वक्त वक्त पर सरकार की तरफ से दी गई, और इस एक साल का कार्यकाल जब पूरा हुआ तो खासतौर पर किसानों के लिए समर्पित एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें नई नई तकनीकों का भी जिक्र किया गया। अलग अलग स्टॉल्स पर उन तकनीकों को और कैसे किसानों की आय में वृद्धि की जा सकती है, उन तमाम योजनाओं का भी जिक्र सरकार की तरफ से किया गया, जिसमें कोशिश की गई कि किसानों तक ये तमाम योजनाएं पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान हैं वो इससे लाभान्वित हो सकें। और अगर हम बात करें एक साल के इस पूरे कार्यकाल की, तो वक्त वक्त पर कि किसान कितना महत्वपूर्ण वर्तमान सरकार के लिए है, इसकी वानगी सीएम गहलोत की उन तमाम भाषणों मिलती है जो तमाम तरीके के मंचों से सीएम की तरफ से दिए गए, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर राजस्थान को विकास के पथ पर आगे बढ़ाना है तो किसानों को प्राथमिकता देनी होगी। और इसी की वानगी है कि सबसे पहले आते ही कर्ज माफी की जो सौगात जो घोषणा पत्र में की गई थी उसे पूरा किया गया। इसके अलावा फिर से किसानों को ऋण जो है वो दिए गए, और हाल ही में एक बड़ी घोषणा जिसमें किसानों के लिए ब्याज दरों में 5% की छूट भी दी गई है। तो ये तमाम कोशिशें जिससे समझ में आता है कि किसानों को प्राथमिक तौर पर आगे रखकर कोशिशें तमाम सरकार जो है अभी तक करती रही है, और उसी की तर्ज पर एक बार फिर से किसानों के समर्थन में किसानों के लिए इस सम्मेलन का आयोजन, जहां से सिमलवाड़ा डूंगरपुर में एक कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है। सीएम गहलोत विशेष तौर पर मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें आमंत्रित हैं और कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए वो पहुंचे हैं। मंच पर इस वक्त तमाम गणमान्य अतिथियों के साथ सीएम गहलोत भी मौजूद, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। वहीं सीएम गहलोत के सम्मान में, उनके समर्थन में भी भारी भीड़ यहां पर उमड़ी, और इस पूरे कार्यक्रम की तस्वीरें भी हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। जब सीएम को का वहां पर आगमन हुआ तो किस तरीके से जोर शोर तरीके से उनका स्वागत यहां पर किया गया और बड़ी संख्या में लोग उन्हें सुनने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। और जाहिर है किसान सम्मेलन है तो किसानों को एक उम्मीद रहती है कि अब अगर सीएम गहलोत मौजूद हैं कार्यक्रम में तो वो ज़रूर क्षेत्र के लिए, वहाँ के किसानों के लिए किसान सम्मेलन में मंच से कुछ ना कुछ ऐसा कहेंगे इसे सुनने के लिए भीड़ यहाँ पर बड़ी तादाद में पहुँची हुई है। दरअसल प्रदेश को आगे लेकर जाना है तो उसमें किसानों को भी और उनके हाथ को मजबूत करना होगा, उनकी आर्थिक स्थितियों को मजबूत करना होगा, चाहे उसके लिए किसानों को बिजली पहुँचाना हो कम से कम दरों में, चाहे उनके लिए पानी की व्यवस्था करना हो, नहरों में पानी की व्यवस्था करना हो, बांध का जो पानी है वो आखिर टेल तक जो है पहुंचे, इन तमाम व्यवस्थाओं पर चाहे जोर देना हो, किसान का की जो फसल है उसे समर्थन मूल्य पर सही दाम पर खरीदना हो, और जो वक्त वक्त पर प्रकृति की मार लगातार किसान झेलता है उसमें किसानों के साथ खड़े होने की कोशिश हो, इसके अलावा ऋण की कोशिश हो, ये तमाम वो प्रयास हैं जो सरकार की तरफ से लगातार किए गए। अखिलेश शर्मा जी मीडिया संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश, आज कितना महत्वपूर्ण है ये सम्मेलन जिसमें सीएम गहलोत पहुंचे हैं, और आज क्या कुछ इसमें खास रहने वाला है? बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से पंचायत चुनाव के आचार संहिता लगती थी उसको देखा जाए तो चुनावी मैदान में काफी अहम है ये कांग्रेस के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सभा, क्योंकि हमेशा से ही 84 विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा था, लेकिन
विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार देखा गया कि तीसरे स्थान पर रही थी कांग्रेस, क्योंकि भारतीय ट्राइबल पार्टी की मोदी जी ने कांग्रेस को इतना बड़ा धक्का दिया कि वो तीसरे स्थान पर चली गई। उसकी दृष्टि से आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आचार संहिता लगने के बाद पहली सभा जो है चुनावी सभा कह सकते हैं, किसको हालांकि किसान सम्मेलन लेकिन आचार संहिता लगने के बाद चुनावी सभा कह सकते हैं कि वो संबोधित करेंगे। और काफी कुछ उम्मीदें जो है वो यहाँ क्षेत्र की जनताओं को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से है, खासकर जो सिंचाई और पेयजल का जो एक सबसे बड़ा मुद्दा है क्षेत्र का, कड़ना बैक क्वार्टर से पानी यहाँ तक लाने का, वो सबसे बड़ी मांग क्षेत्रवासियों की है। जिस उम्मीद अखिलेश, जाहिर है जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि यहाँ पर किसानों को कहीं ना कहीं उम्मीद होगी कि आज